हमारे पास बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं। तालीम का निज़ाम है बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें प्राउड है कि हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं। इंडिया हमारे लेवल का नहीं है, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, गुर्बत है। ब्रिटिश ने जब कॉलोनी बनाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान को, तो उस वक्त ज़्यादा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो वहीं पे बिल्ड हुए थे। आज सिस्टम सिर्फ ये बना दिया गया जी आपने ये पढ़ना है और रट्टा लगा के आ जाना है। जो जितना अच्छा रट्टा लगा लेता है उसका उतना ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स जो इंडिया से हैं। डिग्री या डिग्री में कोई क्वालिटी नहीं है कि उस क्वालिटी की बिना पे हमें कुछ ना हम कुछ अचीव कर सकें या हमें कुछ मिल सके। माइंडसेट हमारा इस वक्त यही बना हुआ है कि हमने बच्चे को मार्क्स कैसे लेके देने हैं। पाकिस्तान नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमनाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज जानेंगे लोगों से उनका ओपिनियन इस बारे में कि उनके ख्याल में पाकिस्तान में क्या एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हो सकता है। अगर हो सकता है तो किस तरह से हम इस आइडियल और एक क्वालिटी एजुकेशन को जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 64% जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं उनको किस तरह से एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। लोगों से जानेंगे उनका ओपिनियन, हमारे साथ रहिएगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर हमारे यंगस्टर्स आगे बढ़ते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं और बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का निज़ाम, तालीम का निज़ाम है बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें प्राउड है कि हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान का कौन सा एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम के अंदर कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडियल है, जो कि पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी आवाम को बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे टीचर हैं और वो हमें स्कॉलरशिप भी लगाते हैं हमारी कि बच्चा आगे पढ़ सके और अच्छी तालीम हासिल कर सके। हमारी हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, वो हमारी सपोर्ट करते हैं इसमें, तलीमी निज़ाम में हमारी सपोर्ट करते हैं कि हम आगे जा सकें। और इंशाल्लाह हमारे जो नौजवान है, यंग जनरेशन है, वो इंशाल्लाह बहुत कामयाबी और तरक्की से तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये आपकी बात मैं समझ गई हूँ। अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से ग्रेजुएट होके आते हैं लोग, वो उनको जॉब क्यों नहीं मिलती? बस वो तो हर मुल्क में ऐसा निज़ाम है कि कुछ इस दफ़ा हमारे में सैलाब आया है, उसकी वजह से कुछ ऐसा मसला है, कुछ कुछ हुकूमत की भी होती है इस तरह। तो ये बताएं कि सैलाब आया आना तो एक ऑब्वियस बात है, आ सकते हैं, किसी भी मुल्क पे आ सकते हैं, लेकिन उसको कवर करना भी तो हमारा ही काम था, तो हमने क्यों नहीं किया? बस ये तो हुकूमत को चाहिए कि जो गरीब लोगों के घर जा चुके हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उनके बच्चों को तालीम फ्री देनी चाहिए, उनके घर बनवाने चाहिए। उन्हें चाहिए कि हुकूमत को थोड़ा सा बेहतरी लाएं और जो गरीब आवाम है वो पढ़ सकें और मुस्तकबिल का रोशन। आपके ख्याल में इंडिया की एजुकेशन सिस्टम कैसी? नहीं, इंडिया हमारे लेवल का नहीं है। क्यों? वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, गुर्बत है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह गुर्बत नहीं है इतनी। आपको पता है कि पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी मेजर आईटी इंडस्ट्रीज हैं उनके सीईओज इंडियंस हैं और इंडिया से पढ़े हुए। वो तो बात ठीक है आपकी, तो वो कैसे बन गए? वो तो जो मेहनत करेगा वो तो पढ़ेगा, वो जो भी है वो अपनी मेहनत के हिसाब से आगे जाएगा। लेकिन इंडिया के आईआईटी के जो मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ग्रेजुएट्स को पूरी दुनिया में जो है प्रेफर किया जाता है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारे भी ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो वेल एजुकेटेड हो के बाहर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिलता है स्टडी के लिए, बाहर जाते हैं। मेरे भी दोस्त गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी सब कुछ है, बस थोड़ा सा निज़ाम स्लो सिस्टम है कि जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं पढ़ सकते और कुछ पीछे रह जाते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, हम प्राउड फील करते हैं कि हम लगता है कि पाकिस्तान एक सही रास्ते पर है, तरक्की की तरफ जा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। क्या तरक्की हो रही है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बहुत तरक्की हो रही है यार, हर लिहाज से तरक्की हो रही है। किस लिहाज? देख लेना आप, जो भी सिस्टम है देखें, हर बंदा कौन सा सिस्टम अपनी हर बंदा अपनी कमा के रोजी खा रहा है। टीचर हैं, टीचर तबका देख लें या मजदूर देख लें, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हर बंदा रोजी कमा के खा तो रहा है, लेकिन उसको उससे अगले दिन का, उससे अगले हफ्ते का आइडिया नहीं होता, तो वो खुश भी है ना। जो रोज की दिहाड़ी लगाता है वो खुश होके सोता है,
जिसके पास जितना पैसा होगा उसको उतनी टेंशन होगी। तो आपके ख्याल में जो दिहाड़ी लगाता है उसको आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उसको आगे की सोच नहीं रखनी चाहिए? नहीं, बढ़ना चाहिए, उन्हें आगे की सोच रखनी चाहिए। वो ये है कि हुकूमत उनके साथ थोड़ा सा तावन करे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे और अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है? पाकिस्तान बिल्कुल ठीक रास्ते पे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम तो इसको प्राउड फील करते हैं ना। पाकिस्तान तो बिल्कुल प्राउड की रहने, हम पाकिस्तानी हैं, हमें इस बात पे प्राउड है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तानियों को क्या कोई मसाइल दरपेश नहीं है? मसाइल तो हर मुल्क में होते हैं, कौन सा ऐसा कंट्रीज है जिसमें मसाइल नहीं होते? क्या मसाइल है पाकिस्तानियों के? मसाइल होते हैं ना, कि जैसे कि कुछ लोग नीचे के हैं, वो नीचे ही रह रहे हैं, उनको ऊपर नहीं लाया जा रहा। ये हमारी हुक्मरान को चाहिए कि फ्री एजुकेशन करें, कि जो बड़े लोग हैं वो ऊपर ही जा रहे हैं, जो गरीब तबका है वो नीचे ही जा रहा है। लेकिन ये हुकूमत को चाहिए कि निज़ाम ठीक करे। थैंक यू। सबसे पहले तो ये है कि जो एजुकेशन होती है किसी भी कौम के लिए तरक्की करने के लिए सबसे बेसिक पहलू है ये। आपने किसी भी फील्ड में करना हो, आपने गवर्नमेंट भी चलानी हो किसी मुल्क में, तो उसके लिए भी आपका एजुकेटेड होना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी जितना आपने काम करना, तो वो सर अगर आप वेल एजुकेटेड हैं तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। और एफिशिएंटली के साथ काम करने के लिए आपको सबसे पहले अच्छी एजुकेशन ज़रूरी होती है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक तो ऐसा कोई, जहाँ तक मैंने देखा है और सीखा है पढ़ा है, तो पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल बहुत ही लो है। आपके ख्याल में क्या रीज़न? एक तो हमें सिर्फ यही सिखाया गया कि आपने मार्क्स लेने हैं, और दूसरा ये है कि हमें एक टेक्निकल नॉलेज नहीं दिया जाता, सिर्फ आपने किताबों में पढ़ना है, किताब पढ़ के तो आप जो मर्जी सीख, वो पढ़ किताब पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ उसे याद करके पेपर में लिख के आना होता है। उसके अलावा हमारा उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता। जो एक होती है कि समझाने के लिए या उससे सीखने के लिए, वो सीखने वाला जो होता है ना काम, वो नहीं हमें करवाया जाता। हमें सिर्फ ये करवाया जाता है आपने इतना पोर्शन रख लेना है और ये पेपर में एज इट इज़ लिख देना है। कोई क्रिएटिविटी नहीं है इसमें वर्क में, कि लोगों बच्चों को सिखाया जाए कि आपने किस तरह पढ़ना है। और टीचर भी हमारे माशाल्लाह से ऐसे हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि पढ़ाना किस तरह है। सिर्फ चंद एक टीचर्स के अलावा बाकी सारे ऐसे ही हैं कि किताबें पढ़ी हुई हैं, वो ला के आपको दे देंगे और ये आपने पढ़ना है और याद करके आके लिख के दे देना। कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई न्यू पहलू नहीं बताए जाते, कि डायमेंशन नहीं बताई जाती। एक भी एक चीज़ है, मतलब कोई कोई भी प्रॉब्लम है उसे आप डिफरेंट पहलू हैं उसके, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड ही नहीं की जाती स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत लो है। अब एमफिल लेवल पर भी यहाँ पर आके आप देख लें, कोई एक आध स्टूडेंट होगा जिसे क्रिटिकल थिंकिंग में जो अच्छा है, अदरवाइज सारे यही है कि जो बस पढ़ के आया, रट्टा लगाया हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ लेवल में भी यही है कि स्लाइड्स दे देते हैं आपको, नोट्स दे देते हैं, आपने वो पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको क्रिटिकली जो डील करना होता है, चीज़ों को देखना होता है, जो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, वो नहीं करवाए जाते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम अपनी नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो आपके ख्याल में इंडिया की एजुकेशन उन्होंने किस तरह से इतनी इम्प्रूव किया कि वर्ल्ड वाइड उनकी यूनिवर्सिटीज़ को ट्रस्ट भी किया? इंडिया की पाकिस्तान से बहुत अच्छी है एजुकेशन लेवल जो, और उन इंक्रीज इस तरह उन्होंने कुछ इस्लाहात की हैं इस लेवल में, उनके जो मतलब डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट्स लेवल पे काम बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, उन्होंने जो उनके पॉलिटिशियन, जो उनके यूथ है, उन्होंने ग्लोबली जो पॉलिसीज चल रही थी उनसे सीखा है और उसे इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ यूथ को इसी बात में लगाया गया है कि जी फलां आज क्या ट्रेंड चल रहा है, आज ये ट्रेंड ये करना है आपने बस, और आपने जो कॉपी पेस्ट सिस्टम वो करना है। वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे क्रिएटिविटी भी सिखाई जाती है आपको, टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा। आईटी में इसीलिए बेस्ट है वो, कि आईटी की वो टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सिखाई जा रही हैं उन्हें और बताया जा रहा है इस बारे में कि जी आपने किस तरह करना है चीज़ों को। और आईटी से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, मेडिकल की फील्ड में बहुत अच्छे हैं वो हमसे, और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स जो इंडिया से हैं। तो इसका यही है, उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया है। और उसमें काम कई किसी हद तक ये भी है कि जो बर्रेसगीर में था, बेसिकली बर्रेसगीर में जो इंडिया, जो ब्रिटिश ने जब कॉलोनी बनाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान को,
तो उस वक्त ज़्यादा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो वहीं पे बिल्ड हुए थे और उनका एजुकेशन सिस्टम भी उस वक्त उन्होंने इन बिल्ड कर दिया था कि जी आपने ये इस बेस पे पढ़ाना है और इस तरह वो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं क्योंकि वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत पुराने भी हैं और वहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका भी है वो भी पुराना है तो उन्होंने लेकिन उन्होंने वक्त के साथ न्यू अडॉप्ट भी किए हैं तरीके और उन्हें वो एक क्रिटिकल थिंकिंग भी बिल्ड कर रहे हैं लोगों में वो बता रहे हैं कि आपने किस तरह सोचना है किस एंगल से भी इन एंगल से भी सोच सकते हैं लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है। तो आपके ख्याल में सर पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन की तरफ एक बेहतर स्टेप क्या हो सकता है, किस तरह से हम लोग अपने यंगस्टर्स को एक बेहतर जो है एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, किस क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? सबसे पहले तो एजुकेशन के लिए आपको ये जो टिपिकल मेथड है एजुकेशन का टीचिंग का जो मेथड है वो चेंज करना होगा, ठीक है। आपको सिलेबस में भी चेंजिंग करनी होगी, आपको बेसिकली इंडिजिनस तरीके से जो चीज़ें इंडिजिनसली हैं उनमें आपको जो इंटरनेट जो यूरोपियन कंट्रीज की दी जाती हैं एग्जांपल निसाब में या जो चीज़ें उसमें बताई जाती हैं आपको ये नहीं कि सिर्फ आपने वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके और जो आपने पढ़ लिया वो उसे बल्कि जो आपकी सोसाइटी है लोकली तौर पे उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन बताना चाहिए कि किस तरह कर सकते हैं हम और ये किस तरह देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उनमें ये है कि आप कोई ये जो क्रिटिकल वे ऑफ थिंकिंग है वो पैदा करें, पढ़ाने के जो एजुकेशन मेथड हैं वो चेंज करने चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि जी आपने इतने मार्क्स लेने, मार्क्स सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो मार्क्स सिस्टम सिर्फ ये बना दिया गया जी आपने ये पढ़ना है और रटा लगा के आ जाना है, जो जितना अच्छा रटा लगा लेता है उसका उतना ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और मार्क्स ही बेस हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जी ये है, ठीक है। ये बंद बेसिकली आपको कर लेना एक टेस्ट सिस्टम रख लेना चाहिए जब भी नेक्स्ट लेवल पर जाएँ कोई भी स्टूडेंट और उन्हें निसाब पहले पढ़ा देना है, जनरल निसाब पढ़ाना चाहिए कि ये निसाब है, ठीक है, आप इस पर फोकस करें और पढ़ें इसे समझें और उसके क्रिटिकल वे में जो होता है थोड़ा बहुत मतलब जिस जिस लेवल पे मतलब 8th level है 9th level जिस जिस पे ओ लेवल ए लेवल जिस लेवल पे भी आएगा स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है तो उसके मुताबिक क्रिटिकल वे में उसके टेस्ट लिए जाएं ताकि वो उसे पता चले टीचर्स को भी और जो प्रोफेसर होते हैं स्टूडेंट को खुद भी पता चले कि वो किस काबिल है, ठीक है, उस वो किस तरह सोच सकता है चीज़ों को किस तरह देख सकता है उसकी बेस पे उसे डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये बंदा इस वे में सोच सकता है और इसकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है तो उस बेस पे उसे करना तो मैं जहाँ तक यहाँ पे देखें मार्क्स हाई भी होते हैं लेकिन उनकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं लेकिन उनकी क्रिटिकल जो एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और वो चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंट पहलू देख सकते हैं उनके, तो लेकिन वो सिर्फ पीछे रह जाने की वजह ये होती है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं है और एजुकेशन का जो आपका मेथड है मतलब इंग्लिश और उर्दू हमारा यही पढ़ने में गुजर जाता है जी, समझने में पहले उर्दू समझते हैं, उर्दू भी नहीं पूरी समझ आते तो इंग्लिश समझना शुरू हो जाते हैं और आगे का आपका सारा मेथड इंग्लिश का है, बिल्कुल ठीक। आपको बेसिकली करना चाहिए कि आप एक लैंग्वेज कर दें, उर्दू करनी है तो उर्दू कर दें, इंग्लिश करनी है इंग्लिश कर दें, जो आप करना चाह रहे हैं करें सही लेकिन ये है कि एक लैंग्वेज रखें ताकि स्टूडेंट फोकस्ड हों उस लैंग्वेज पे और वो उसे सीख लें। हमारा सबसे बड़ा इशू यही है कि हम सीखते नहीं हैं लैंग्वेज और ना इंग्लिश आ रही होती है ना उर्दू पूरी तरह से आ रही होती है, बोल लेते हैं जो ओरिजिनल चीज़ें हैं मतलब लिखने की हैं वो नहीं हमें आ रही होती, तो उर्दू का भी हमें मसला होता है आगे चल के अगर समझना हो चीज़ों को, अगर उर्दू में भी समझे उसकी समझ नहीं आ रही होती, इंग्लिश में पूरी तरह उसकी समझ नहीं आ रही होती, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते कि असल में है क्या चीज़ें और ना टीचर हमें कंसेप्ट क्लियर करवा, टीचर ने भी उसी तरह पढ़ा होता है तो वो भी सिर्फ आके आपको बता देते हैं ये ऐसे है ये डेफिनेशन आपने इसे एज इट इज़ कर लेना है, ठीक है। उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसकी जो पीछे हिस्ट्री होती है चीज़ों की वो नहीं हमें बताई जाती, सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने आना है और ये पढ़ना है और जस्ट एज इट इज़ लिख देना है। इसके अलावा अगर लिखेंगे आप क्रिटिकल वे में लिखेंगे सिर्फ चंद एक प्रोफेसर के अलावा आपको मार्क्स भी नहीं कोई देगा, वो यही कहते हैं कि जी आपने एज इट इज़ लिखना है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर अदरवाइज आपके मार्क्स भी नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होते ना कुछ सोचता है, प्रोफेसर उसी वे में सोचते हैं फिर उसी बेस पे ही और स्टूडेंट्स ने करना होता है काम। थैंक यू सो जी बिल्कुल
एजुकेशन सिस्टम एक आइडियल जो स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम आई थिंक इट्स नॉट गुड। पाकिस्तान में आजकल इस एरा में हम देखें ना तो आई थिंक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है। मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल रखता हूँ, अपनी एक ज़ाती मेरी एग्जांपल है कि मेरे नाना अबू जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़िंदा हैं, तो आई थिंक 80 के करीब हैं वो, 80 ईयर्स। तो वो हमें ना अपनी सुनाते होते हैं नर्सरी प्रेप की जो उनकी थी ना पोइम्स, उनमें वो मुझे याद है अभी भी सुनाते हैं, मोटर शोटर वाली, मतलब उन्हें वो ना पोइम्स अभी तक याद हैं। 82 ईयर्स आई थिंक उनकी एज है, लेकिन अभी तक उन्हें ना वो जो अपनी मोटर वाली पोइम्स हैं, उन्हें जो उन्होंने थर्स्टी क्रो पढ़ी थी वो उन्हें अभी तक याद है, लेकिन मुझे नहीं है याद। और ये हमारा अलमिया है, आई थिंक मुझे फ़िलहाल ABC भी ना सही आती हो, क्योंकि आजकल देखें तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हर बंदे के पास मास्टर्स की डिग्री है, बैचलर्स की डिग्री है, लिए फिर रहे हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये तो एक अलहदा बात है ना, वो जो डिग्री है उस डिग्री में कोई क्वालिटी नहीं है कि उस क्वालिटी की बिना पे हमें कुछ ना हम कुछ अचीव कर सकें या हमें कुछ मिल सके। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है ना इसमें फॉल्ट्स हैं, जिसकी वजह से वो हमारी क्वालिटी जो है वो कहीं खो गई है। इस क्वालिटी को हमें इंक्रीज़ करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी को, जैसे पहले होता था मैट्रिक भी अगर किसी ने कर लिया ना, लेकिन उस मैट्रिक की वैल्यू इतनी होती थी कि वो एक अच्छी जॉब पे लग जाता था। तो आई थिंक इन्हें ना इन चीज़ों को टैकल करने के लिए ना समथिंग कि हम लोग ग्रेड्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हम लोग स्किल्स पर फोकस नहीं। बिल्कुल यही चीज़ है, देर इज़ अ कम्पटिशन इन द सोसाइटी ऑफ ग्रेड्स एंड मार्क्स। स्कूल्स जो हैं हमारे, स्कूल्स का भी आपस में ये कम्पटिशन है कि फ़लाँ हमारा फ़लाँ स्कूल का टॉपर निकलेगा, फ़लाँ स्कूल का टॉपर नहीं निकलना चाहिए। मतलब दो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी आपस में जो है वो कम्पटिशन यही होता है कि हमारा टॉपर निकलना चाहिए, इसीलिए वो अपने सुपर सेक्शंस भी लगाते हैं। सिर्फ माइंडसेट हमारा इस वक्त यही बना हुआ है कि हमने बच्चे को मार्क्स कैसे लेके देने हैं, 1100 में से 1100 आजकल आ रहे हैं लेकिन वो एंटी टेस्ट में पास नहीं हो रहे। मतलब क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं लेकिन देर इज़ नो क्वालिटी, बच्चे का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, इससे पढ़ने से मुझे मिलेगा क्या। तो आई थिंक इट्स अ बिग फेलर। आपके ख्याल में व्हाट आर द स्टेप्स हम लोग जो ले सकते हैं एजुकेशन को बेहतर बनाने में, क्वालिटी को जो है इम्प्रूव? आई थिंक एक तो हमारा जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम ही जब बैठे हो ना, हम आजकल जैसे पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन ज़्यादा हमारा काम होता है तो हम मोबाइल से ही अपना पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ने से ज़्यादा हम दूसरी एप्लीकेशंस पे फोकस करते हैं। तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हमारा इतना बढ़ गया, इवन के बच्चों का, बच्चे भी जो हैं जब उन्हें फ्री टाइम मिलता है तो हम उन्हें यही कहते हैं कि आप बेटा ये कार्टून देख लो, ये फ़लाँ देख लो, ये नई पोइम्स आई हैं। पोइम्स बल्कि तो कम शम ही होता है, इतना नहीं, लेकिन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हमने ना बच्चों की परवरिश ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। एक तो हमें इसे कम करना चाहिए बुक्स की तरफ, और जो थ्योरेटिकल हमारी जो स्टडी है उसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा ये जो कंपटीशन ऑफ मार्क्स है इससे हमें निकलना चाहिए, इस कंपटीशन बिल्कुल कंपटीशन ऑफ स्किल्स होनी चाहिए, नॉट मार्क्स। बंदे के पास स्किल्स हों कि वो कहीं जाए अपनी स्किल्स पे, और ये आई थिंक काम हो भी रहा है, बल्कि हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। आईटी जो स्किल्स होती हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर है, तो वहाँ पे अभी ये प्रोग्राम्स नए शुरू हो रहे हैं और आइंदा भी नए, मतलब उनमें इजाफा ही हो रहा है। तो ये एक स्टेप, अच्छा स्टेप है स्किल्स की तरफ। थैंक यू सो मच जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया, क्योंकि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादर को देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ साथ अगर आपको शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।